ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है। तो यार एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे, मतलब आपको कोई प्रोहिबिटेड नहीं है फोटोग्राफीज एंड वीडियोज़ के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी लगी, मतलब हर जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर वो लोग रोक देते हैं कि फ़ोटो नहीं खींच सकते, वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर सब बेस्ट लगा यार, एवरीथिंग इज़ गुड। लवली मंदिर यार, इतना सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। मतलब नाइट में आप आओगे तो ना ये और सुंदर लगेगा, देख सकते हो आप इसकी जो डेकोरेशन है वो इसी तरह से की गई है। तो देखते हैं तो क्या है, बहुत सुंदर है यार। टिकटॉक, मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो टिकटॉकर होता है ना, जो टिकटॉक के समय पे उन लोगों को ये बैन किया हुआ है कि टिकटॉक यहाँ पर वर्जित है। मतलब ये एक अलग ही मूवमेंट आ गया फिर से वो वाला, बट आई एम अ यूट्यूबर तो हम लोग नहीं रुकेंगे। चलिए अंदर चलते हैं, अगर कोई मना करता है तो रुक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो अब हम माता सीता की जो कुटिया थी जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये श्री प्राचीन मंदिर श्री राधा कृष्ण मंदिर भी है, देख सकते हो आप ये, यहाँ पर कृष्ण भगवान का मंदिर भी है। तो वहीं पर आ गए हैं हम लोग, और ये यार पंजाबी में लिखा हुआ है, सॉरी मैं नहीं बता पाऊँगा कि ये क्या है। कृष्ण जी की कितनी अच्छी मूर्ति लग रही है, लगी हुई है यार यहाँ पर। ये माता सीता की कुटिया है जहाँ पर माता सीता रहती थी लव कुश के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।